नमस्ते। आज हम जो है पर्टिकुलर इंटीग्रल भी कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो भी हम सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन है वाई डैक्स माइनस टू वाई डैक्स क्लियर है, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। व्हाट इज दिस? दिस इज अ एरिया, ये बाउंड्रीड है, ये क्या है? बाउंड्री है, ये आपका क्या है? बाउंड्री है। इसको हम बाद में बताएंगे, समझाएंगे, पहले हम इसको निकालेंगे कैसे, हम सीएफ इसका पहले निकालेंगे। तो सीएफ इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब आपको पता होगा, ये जो डबल डाइन ये लगा है, इसका मतलब क्या होगा आपका? ये होगा आपका डी स्क्वायर, या इसका मतलब डी स्क्वायर मतलब क्या होगा? डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर बताया था मैंने। और सिंगल मतलब क्या है? सिंगल मतलब है डी एक्स अपॉन डी वाई, और इसको हम लिखते हैं कैपिटल डी। क्लियर है? तो आपका इसको हम कैसे लिख सकते हैं अगले फॉर्म में जो है, और इसको पहले हम लीनियर इक्वेशन है ही आपका, ठीक है, इसको हम पहले सिंपल कैसे बनाएंगे? तो ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर वाई माइनस टू डी वाई प्लस टेन वाई इक्वल टू जीरो। क्लियर है? अब यहां से हम ऑग्ज़ीलियरी इक्वेशन बनाएंगे, तो डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस टेन वाई इक्वल टू जीरो। अब क्या करते हैं ऑग्ज़ीलियरी निकालने के लिए, क्या करते हैं? एफ डी निकालते हैं। एफ डी निकल गया, एफ डी कितनी है आपकी? डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस टेन हो गया आपका। अब हम निकालते हैं एफ एम, ठीक, तो जहां पर डी है वहां पर एम रख देते हैं, एम स्क्वायर टू एम प्लस टेन हो जाएगा। अब जो है ये एफ एम बराबर क्या करते हैं हम लोग, एफ एम बराबर करते हैं जीरो, ठीक है, एम बराबर जीरो करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो ये आपका जो है श्रीधराचार्य के नियम से हम इसको इक्वेशन सॉल्व करेंगे, तो हो जाएगा इसका माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए करेंगे, ठीक है। तो यहां से हम निकाल लेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा टू प्लस सिक्स आई अपॉन टू आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करना चाहे तो कर सकते हैं, वन प्लस माइनस थ्री आई। क्लियर है? अब इसको जो है हम क्या लिखेंगे, जो है इसका सीएफ निकालेंगे, तो सीएफ क्या हो जाएगा? हमने बताया था सीएफ इसका निकालने के लिए, ये जो है आपका कॉम्प्लेक्स टाइप का है, ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? तो ये हो जाएगा आपका ई पावर एक्स सी वन कॉस कॉस एक्स कॉस थ्री एक्स प्लस सी टू कॉस साइन थ्री एक्स हो जाएगा। सीएफ निकल आया। अब निकालेंगे हम इसका पी आई, और पी आई क्या होगा इसका? तो पी आई निकालने के लिए क्या करेंगे? पी आई बराबर होता है वन अपॉन एफ डी, ठीक है, इनटू राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड ये होगा, तो एफ डी क्या है अपना? ये है राइट हैंड साइड हमारा जीरो है, तो पी आई क्या आ जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो हमारा जो है जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा हमारा, तो कितना हो जाएगा? तो वाई बराबर हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा, कंप्लीट कंप्लीट जनरल फॉर्मूला, कंप्लीट जो फॉर्मूला हमारा बनेगा वाई को इक्वल टू कितना हो जाएगा? ई पावर एक्स सी वन कॉस थ्री एक्स प्लस सी टू साइन थ्री एक्स। क्लियर डेट? तो ये हमारा जो है कंप्लीट इसका जनरल फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है, यही हमारा आंसर आएगा। क्लियर है? तो अब इसका मतलब क्या होता है, आइए अब इसका मतलब समझते हैं, इसी के आगे इसका इसकी क्या जरूरत पड़ी है, ठीक है। तो ये जो हमारा वाई इजकल टू जीरो, वाई जीरो इजकल टू फोर है, तो इसका मतलब क्या होगा? तो इसका ये मतलब होता है कि जो हमारे फॉर्मूले में जो ये सी वन है, जो हमारा ये सी वन है और जो हमारा सी टू है, इसको जो है अननोन वैल्यू है, ये हमारा क्या है? अननोन वैल्यू आ रहा है हमारा, तो ये अननोन वैल्यू को, अननोन वैल्यू को जो है एलिमिनेट करता है, वैल्यू को क्या करेगा? एलिमिनेट करेगा, ठीक है। तो ये जो सी वन सी टू है इसकी अननोन वैल्यू को एलिमिनेट करके इसकी वैल्यू आएगी, वो वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमारा वो एक्चुअल वाई की वैल्यू आ जाएगी। इसलिए जो है ये दिया हुआ है बाउंड्री, इसके क्या है बाउंड्रीज की मदद से सी वन सी टू को एलिमिनेट कर देंगे, ठीक, और सी वन और सी टू की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट, सॉरी सी वन और सी टू की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, एक्स की वैल्यू बता रहा है जीरो होगी, और वाई की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी होगी? फोर होगी। अब ये दोनों वैल्यू हमको पुट करके इसमें रखना है, तो पुट द इक्वेशन, इसको मान लो इक्वेशन को सेकंड मान लो,
तो पुट 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 इन द इक्वेशन इक्वेशन सेकंड, ठीक है, इन इक्वेशन सेकंड, तो सेकंड में इक्वेशन में रखेंगे, सेकंड इक्वेशन क्या है, वाई इक्वल टू ई पावर एक्स सी वन कॉस थ्री एक्स प्लस सी टू साइन थ्री एक्स, क्लियर है। तो यहां पे एक्स बराबर जीरो रखोगे तो पावर जीरो हो जाएगा, तो वन हो जाएगा, ठीक है, ई पावर जीरो सी वन कॉस थ्री इंटू जीरो प्लस सी टू साइन थ्री इंटू जीरो, तो क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो y बराबर हो जाएगा e पावर जीरो मतलब वन, c वन यहाँ आ जाएगा cos थ्री, cos जीरो, cos जीरो मतलब वन आ जाएगा, तो बचेगा क्या, केवल c वन बचेगा और c ये तो पूरी जीरो हो जाएगी, तो बचेगा y c वन, y इक्वल टू c वन, और y की वैल्यू कितनी है, फोर है, तो फोर इक्वल टू c वन, तो c वन की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, फोर आ गई, c वन की वैल्यू कितनी आ गई, फोर आ गई। अब किसकी वैल्यू निकालेंगे, c टू, तो c टू निकालने के लिए मुझे क्या रखने पड़ेगा, सेकेंड इसका जो है y डैश जीरो इक्वल टू वन, ये रखेंगे जब इक्वेशन सेकंड में तो हमको c2 की वैल्यू आ जाएगी, क्लियर है, तो हम रखते हैं इसका, ठीक है, तो रखेंगे y डैश जीरो इक्वल टू वन। अब जो हमारा y था, जो हमारा y है उसको जो है हमको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, y डैश जीरो मतलब है कि x बराबर जीरो, ठीक, और y की वैल्यू वन, लेकिन हमको क्या ये y बराबर दिया हुआ था, जो भी हमारा ये था, क्या था, ये y था हमारा, लेकिन अब इसी को क्या करना पड़ेगा, y डैश निकालना पड़ेगा, तो पहले इसका इंटीग्रेशन, इसका जो है एक बार y डैश पहले हम निकालेंगे, ठीक है, y डैश निकालने के बाद जो है तब हम आगे बढ़ेंगे, y डैश मतलब अब इसका एक बार डिफ्रेंशिएट एक बार और करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तब जाकर हमको y डैश निकलेगा, ठीक है, पहले y डैश निकालते हैं, ठीक है, तो इसका y डैश क्या हो जाएगा, ठीक है, तो इसका y डैक्स कितना हो जाएगा, पहले y बराबर लिखे, y बराबर e पावर x c1 cos 3x प्लस c2 sin 3x, क्लियर, तो y डैक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका। अब इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड वाला जो है हम लगाएंगे, फर्स्ट इंटू सेकंड का फर्स्ट, और इसको मानेंगे हम लोग सेकंड, ठीक है, फर्स्ट इंटू सेकंड करके सॉल्व करेंगे तो y, इसका क्या हो जाएगा, e पावर x c1 और cos 3x, cos का हो जाएगा sin में और माइनस में आ जाएगा, तो माइनस e पावर x माइनस sin 3x और ये 3 भी रहेगा यहाँ पे, ठीक है, e पावर x माइनस 3 sin 3x होगा, और यहाँ पे क्या होगा, प्लस 3c2 sin का हो जाएगा, ठीक है, फिर सेकेंड क्या होगा, सेकेंड का इसका ई पावर एक्स ऐसे ही रहेगा, और ये तो ऐसे ही आपका बचेगा, इसका इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशिएशन ई पावर एक्स का ई पावर एक्स होता है, और ये आपका बचेगा सी वन कॉस थ्री एक्स प्लस सी टू साइन थ्री एक्स, तो समझ में आ गया आपको, फर्स्ट इंटू सेकेंड किया आपने, पहले लिखा फर्स्ट, इसको मैंने माना फर्स्ट, और इसको पूरे को माना मैंने सेकेंड, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या करते हैं, क्या फर्स्ट डिफरेंशिएशन सेकेंड, डिफरेंशिएशन सेकेंड का ये आया, फिर सेकंड, सेकंड ये लिखा, फिर डिफरेंशिएशन फर्स्ट, ये पावर एक्स का डिफरेंशिएशन पावर एक्स। अब यहाँ पे क्या रखेंगे, वाई डैक्स की वैल्यू कितनी कह रहा है, वन, वाई डैक्स की वैल्यू कह रहा है कि वन रखिए आप, वाई डैक्स की वैल्यू वन बराबर, अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, तो जहां जहां एक्स है वहां कितना रखेंगे, जीरो रखेंगे, वन बराबर, तो जहां पे एक्स है पावर जीरो माइनस थ्री साइन, ये जीरो हो जाएगा, प्लस थ्री C2, ये भी ये आपका cos 3 into 0, ठीक है, प्लस e पावर 0 C1 cos 3 into 0 प्लस C2 sin 3 into 0, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे नहीं आ जाएगी, यहाँ पर C2 वैल्यू आ जाएगी माइनस 1, यहाँ पर C2 वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 1, अब C1 और C2 की वैल्यू उठा के इन इक्वेशन सेकंड, इस इक्वेशन में रख देंगे, इक्वेशन C1 और C2 वाली इक्वेशन सेकंड में रख देंगे, ठीक है, तो वैल्यू यहां पर पुट करिए, नाउ पुट द वैल्यू C1 एंड C2 इन इक्वेशन सेकंड, सेकंड इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू e पावर x C1 cos 3x प्लस सी टू साइन
थ्री एक्स, क्लियर है? तो यहाँ पर रख देंगे y इक्वल टू आ जाएगा सॉरी पावर x, c1 की वैल्यू कितनी आई है आपकी, c1 वैल्यू 4 आई है, तो 4 cos 3x प्लस c2 वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 1 माइनस, तो sin 3x आ जाएगी, क्या आई वैल्यू e पावर x 4 cos 3x माइनस sin 3x, c1 और c2 वैल्यू रख दिया, यही हमारा जो है आंसर आ गया, यही हमारा आंसर आ गया, क्लियर है? तो आइए हम इसके आगे सीखते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना तो आता है, लेकिन कुछ अलग टाइप का पर्टिकुलर इंटीग्रल है जो कि उसके इक्वल हमेशा जब जीरो रहता तो उसका निकालते थे हम लोग। अब अगर इसके इक्वल में कुछ और दिया हो, जैसे ई पावर एक्स एक्स का टाइप का दिया हो, तब उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं, कुछ उस टाइप का हम देखने चल रहे हैं, ठीक है? तो अभी इसको हम सॉल्व करेंगे, तो आपको पता है इसको क्या लिख सकते हैं, डी क्यूब वाई लिख सकते हैं माइनस डी स्क्वायर वाई लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं 4 डी वाई लिख सकते हैं माइनस 2 वाई लिख सकते हैं इक्वल टू ई पावर एक्स, ठीक है? अब इसका जो है जनरल ये फॉर्मूला हो गया। अब इसका हम निकालते हैं एफडी निकालते हैं हम लोग, तो एफडी निकालते हैं, एफडी क्या हो गया आपका डी क्यूब माइनस डी स्क्वायर माइनस 4 डी माइनस 2, ये हो गया आपका, ठीक है? अब बराबर ई पावर एक्स हो गया, तो एफडी आ जाएगी आपकी डी क्यूब माइनस डी स्क्वायर माइनस 4d माइनस 2 बराबर 0। अब हम निकालते हैं fm, fm निकालेंगे, fm बराबर 0, तो fm जहां पे d है वहां पे m रखेंगे, तो ये हो जाएगा m क्यूब माइनस m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 2 बराबर 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, क्यूबिक आ गया आपका, तो इसका जो है अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका m प्लस 1 m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे m बराबर माइनस 1 हो जाएगा और इसका क्वेश्चन हो जाएगा ये इक्वल टू माइनस 1 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 3 1 माइनस अंडर रूट 3, दो वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे श्रीधराचार्य के नियम से बी स्क्वायर माइनस 4c अपॉन 2a से, ठीक है? तो m की वैल्यू आ गई, अब m की वैल्यू आ गई तो इसको जो है हम क्या करेंगे, अब निकालेंगे हम लोग cf, तो cf निकालेंगे तो cf इसका क्या हो जाएगा, cf निकालने के लिए क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा c1 e के पावर माइनस x प्लस c2 e के पावर कितना हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 3 x प्लस ये हो जाएगा c3 e के पावर 1 माइनस अंडर रूट 3 x हो जाएगा, ये आपका आगे cf। अब निकालेंगे pi, अब pi निकालने के लिए देखो इसमें थोड़ा सा अलग है, ठीक? तो इसका di निकालने के लिए जो है वो pi निकालेंगे, तो pi बराबर क्या होगा 1 अपॉन f d होता है, ठीक है? 1 अपॉन f d होता है आपका, ठीक? तो ध्यान रखना यहाँ पे हमको मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि 1 अपॉन जो fd है, fd आप लिख लो पहले, fd कितना ये है आपका d क्यूब माइनस d स्क्वायर माइनस 4d, चलो ऊपर बताता हूँ, ठीक है? ऊपर लिख के बताता हूँ। पीआई निकालने का फॉर्मूला क्या है आपका, पीआई निकालने का फॉर्मूला है 1 अपॉन एफ डी इंटू राइट हैंड साइड, ठीक है? तो 1 अपॉन एफ डी क्या है, डी क्यूब माइनस डी स्क्वायर माइनस 4डी माइनस 2 इंटू राइट हैंड साइड कितनी है, पावर x है, ठीक है? अब ध्यान रखना है कि जब भी ई पावर x राइट हैंड साइड में हो, पीआई निकालना हो, तो हम डी के बीच इक्वल टू 1 रख देते हैं, तो यहाँ पे पी आई इसका आ जाएगा 1 अपॉन 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 2, तो इसका पी आई आ जाएगा आपका माइनस 1 अपॉन 6 अपॉन 6 ई पावर एक्स आ जाएगा, ठीक है? क्लियर है? ये हमारा यही हमारा क्या आ गया, पी आई आ गया। तो सीएफ निकालना इसलिए हमने यहाँ पे सीएफ इसलिए निकाला, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसका तब था इसलिए हमने जो है इसको कराया सीएम निकालने के लिए, और पीआई हमारा जो निकालना था यहाँ पे तरीका कुछ अलग था, यहाँ पे जब हमारा जो है जीरो नहीं दिया रहता था राइट हैंड साइड तो हम आसानी से कैलकुलेट कर ले रहे थे, तो वह अब लेकिन जब ई पावर एक्स दिया रहे तो हम डी बराबर क्या रखेंगे, हमेशा 1 रख के तब निकालेंगे पीआई, क्लियर है? ठीक है, तो ये हमारा आज का जो है टॉपिक्स था, ठीक है? थैंक यू।